हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने डॉम्स की रिव्यू वीडियो में ये स्केच बनाया था और अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे फिक्सेटिव स्प्रे जो है वो यूज़ करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास है फिक्सेटिव स्प्रे जो है एयर फॉर्म का। और यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस लिखी हुई हैं कि हमें इसे किस तरीके से यूज़ करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं और अपने आर्टवर्क्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो फिक्सेटिव स्प्रे है, मैं अभी आपको स्केच पर यूज़ करके दिखाऊंगी। आपको पहले मैं ये स्केच यहाँ पर रख देती हूँ। तो ये है हमारा स्केच जो मैंने टॉम्स कलर पेंसिल से बनाया था वो पिछली रिव्यू वाली वीडियो में। तो हम जैसे ही आप ये रखते हैं, आपको ये जो है अच्छे से शेक करना है। जो फिक्सेटिव स्प्रे की बॉटल है वो काफ़ी अच्छी तरीके से शेक करनी है और उस स्केच को हॉरिजॉन्टली रखना है टेबल पर। और आप जैसे ही आप शेक करेंगे, इसके तुरंत बाद आपको इसका ढक्कन खोलकर वो जल्दी से स्प्रे कर देना है और अच्छी तरीके से इवनली स्प्रे करना है आपको। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से स्प्रे कर रही हूँ। आप चाहे तो ये हाथ में पकड़कर वर्टिकली रख कर भी स्प्रे कर सकते हैं। तो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि किस तरह होगा। तो मैंने ये स्प्रे किया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो बाल है उसकी साइड थोड़ा सा डार्क लग रहा है, पर इससे आप कोई भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी देर के बाद सूख जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे स्प्रे मार दिया है और आपको जैसे ही कुछ 20 या 30 मिनट हो जाएंगे, ये बिल्कुल पूरी तरीके से सूख जाएगा। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होगा और आपका जो आर्टवर्क है जो आपने इतनी मेहनत से बनाया है वो बहुत इजीली प्रोटेक्टेड रहेगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कैसे इसे कैनवस पर स्प्रे कर सकते हैं। तो ये है मेरा एक रीसेंट पेंटिंग जो मैंने कैनवस पर बनाया था। अगर आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसका भी ट्यूटोरियल अपलोड कर दूँगी। तो आपको वापस उसी तरीके से शेक करना है और स्प्रे कर देना है। और आप इस बात का ध्यान रखिए कि वो बहुत इवनली होना चाहिए स्प्रे। अगर वो इवनली नहीं हुआ तो आपका आर्टवर्क ख़राब हो सकता है। और पेपर जो है वो कम से कम 180 GSM का होना चाहिए। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आप जब भी स्प्रे करेंगे। पेपर कम से कम 180 GSM का होना चाहिए। और आप जब भी स्प्रे करें, इसको आप अपने आँखों से दूर रखिए और मुंह के पास आने ना आने दे। हो सके तो आप एक मास्क पहन के कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा टूल है, काफ़ी अच्छा स्प्रे है, जिससे आपके आर्टवर्क्स प्रोटेक्टेड रहेंगे और वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और वो काफ़ी सालों तक बिल्कुल नई की नई रहेंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताया कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।